खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने और जगह जगह आगजनी करने वाले दंगाइयों पर सरकार ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। 26 दंगाइयों को 11,66,000 की वसूली का नोटिस भेज भी दिया गया है। CAA और NRC को लेकर किए गए हिंसक घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और पहला कदम उठाया। पापा जो है रिटायर्ड टीचर हैं शेख अब्दुल्ला साहब, और वो शुरू से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं, और भाई भी मेरे इसी से जुड़े हुए हैं। सब वेल एजुकेटेड फैमिली है, तो हम लोग जो है वो हमेशा से ही शांति परस्त रहे हैं। ऐसा नहीं रहा है कभी भी कि किसी चीज़ के लिए हम लोग ऐसा करें कि कोई अमन और शांति को नुकसान हो, या शहर को विकास के लिए कार्य किया है। और जो मैं खासकर ही कहना चाहूँगी कि जो प्रशासन की तरफ से जिला संघर्ष समिति के लिए जो कहा गया है कि इनकी प्रॉपर्टी इनकी जब्त कर ली जाए या इनके ऊपर जो केस हैं वो लगाए गए हैं, तो मैं चाहूँगी कि प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो है हक और इंसाफ पर फैसला करेंगे। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग बवाल में मौजूद थे उनकी अगर सरकारी जो है वो सरकार संपत्ति जब्त करती है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बवाल में नहीं थे और जो लोग एक मिनट को भी उसमें शामिल नहीं हुए किसी भी धरना प्रदर्शन में जितने दिन संभल में चला है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को पे जो है कोई आँच नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद भी है।